जो व्यक्ति नंबर की जो भी नई स्क्रीन पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबशिर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम केपीके के ज़िला मानसहरा की तहसील ओगी में मौजूद हैं और केपीके की जब बात की जाए, पेशावर की जब बात की जाए, तो जूतों का नाम लाजमी आता है और जूतों में आजकल इमरान ख़ान की वजह से कप्तान चप्पल भी बड़ी मशहूर है, लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। लेकिन केपीके मानसहरा और ख़ास तौर पर ओगी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हाथ की मदद से चमड़े के जूते बड़ी मेहनत से और बड़ी खूबसूरती से बनाए जाते हैं और पाकिस्तान भर के शहरों से यहाँ ऑर्डर पर भी मंगवाए जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक जूता बनाने वाले दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है और वो किस तरह से जूता बनाते हैं, कौन कौन सा बनाते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। परवेज़ नाम है मेरा। परवेज़ साहब, आप कौन कौन से जूते स्पेशली बनाते हैं? जूता हमारे पास हर किस्म का बनता है, जिस किस्म का डिज़ाइन कोई बोले ये बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, हाफ शूज़ बनाते हैं, जो चप्पल बनवाए चप्पल बनाते हैं, हर किस्म की ऑर्डर पे खुद बनाता हूँ मैं जी। अच्छा, जो खेड़ी जिसे आमतौर पर कहते हैं, इधर चप्पल भी उसे कहा जाता है, कप्तान चप्पल भी है, वो कितने किस्म की होती है, कितने कलर्स की होती है और वो कलर क्या लेदर को रंग करते हैं उसमें? नहीं, वो उसमें कलर उधर बने हुए आते हैं ना, तो कलर जो जो मांगता है उसमें ब्लू कलर, रेड कलर और काला, ब्राउन सब बनते हैं उसमें जी। अच्छा, ये बताइएगा कितनी हद तक ये महंगी या सस्ती होती है ये जूती, ये चप्पल? मिसाल के तौर पे अगर लोग ब्रांड से जो ख़रीदते हैं, ये उसके मुकाबले में पायदार होती है और उससे पैसों का किस हद तक फ़र्क होता है? बहुत पायदार होती है, 4-5 साल चलती है, हमारे हाथ की बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें 5,000 की बनती है, 4 की बनती है, 3 की भी बनती है, 2500 की भी बनती है और 1500 तक एंड बनती है। हाँ, वो भी बनती है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो चमड़ा है वो किस जानवर का इस्तेमाल होता है? ये गाय भैंस का ही होता है ज़्यादा जी। तो ये चमड़ा खास तौर पर यहाँ किसी फैक्ट्री में बनता है या वो भी आप हाथ से तैयार करते हैं? ये पेशावर से हम लाते हैं, पेशावर से, उधर बड़ी बड़ी दुकानें फैक्ट्री हैं ना। अच्छा। उधर से लाते हैं जी जी। तो ये जो सोल है वो किस चीज़ से बनता है? ये रबड़ का सोल होता है, रबड़ का, ये शीटें होती हैं ना बड़ी बड़ी, ये रबड़ है, ये बनती है रूस में, उधर से पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से हम दुकानों से खरीदते हैं जी। परवेज भाई, आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये मेरा काम करते हुए 32 साल हो गए। 32 साल। 32 साल। तो क्या कैसा है रोज़गार, ये अच्छा गुजारा होता है या इसका? अल्लाह का फजल है, मेहनत करते हैं, ये देखें पट्टियाँ लगी हुई हैं, हाथ जख्मी हो जाते हैं इससे, काम करते हैं बस, अपने बच्चों को बस पालते हैं, ठीक है बस। ये भी तो बड़ी बात है ना, कहा जाता है कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो आप हाथ से काम करते हैं और लोगों के लिए जूते बनाते हैं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये बताएं कि इसका सीज़न ऑफ सीज़न भी होता है? इसका सीज़न ऑफ और होता है, लेकिन सर्दियों में हम जूते बनाते हैं और गर्मियों में चप्पलें बनाते हैं। सही है। मैं दोनों का कारीगर हूँ, दोनों चीज़ बनाते हैं मैं। जब गर्मियाँ होती हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे लोग विज़िट करने के लिए मानसहरा की तरफ आते हैं, आताबाद की तरफ आते हैं, तब आपकी सेल में इजाफा नहीं हो जाता? हो जाता है, इजाफा होता है, आते हैं लोग, बड़े दूर से आते हैं, 3-3, 4-4 जोड़े लेके जाते हैं, 10-10 जोड़े लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा काम अच्छा होता है इनका। तो पाकिस्तान के बाकी कौन कौन से शहरों में आपको ये ऑर्डर्स मिलते हैं? ये पाकिस्तान से, वैसे हम इधर ही काम करते हैं, इधर ही लोग आते हैं, और जगह भी लोग ये बनाने वाले बहुत हैं ना। अच्छा। लेकिन इधर जो मैं बनाता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई माई का लाल नहीं बनाएगा। अच्छा। हाँ जी, ये देखें जी, इनका दावा है कि जो ये जूता बनाते हैं खूबसूरत और बेहतरीन, वो अपनी मिसाल आप होता है। ऑलराउंडर बनाता हूँ, ऑलराउंडर हूँ इस काम का, ऑलराउंडर हूँ। यानी आपको किसी भी किस्म का जूते का कोई ऑर्डर दे दे, वो आप बना दें? मैं बना दूँगा इंशाल्लाह। हाँ। कोई ऐसा कुछ स्पेशल जूता जो किसी कारीगर से ना बनता हो और आप बना लेते हैं, वो कौन सा है? वैसे बहुत हैं, एक ये देख लें आप, ये देख सकते हैं,
कितना बड़ा जूता, ठीक है, कितना बड़ा जूता, आलम चलने का है जी ये 12-13 नंबर है। अच्छा, और इसमें बहुत डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये देख लें, ये डॉन कार्लोस का इटली का डिजाइन है, लेकिन खुद मैंने बनाया, अपने हाथ से बनाया, ये देख लें। और कौन से कौन कौन से डिजाइन है, और इसमें डिजाइन, ये वाला डिजाइन अच्छा डिजाइन है, ये देख लें, ये मैं खुद बनाता हूँ और लेदर से बनाता हूँ, ओरिजिनल। मेरे पास किसी को आना हुआ तो उगी में आए, और बुस्तान प्लाजा में मेरी दुकान है। क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम, मेरी दुकान, मेरा नाम परवेज़ है, ठीक है, परवेज़ से मशहूर है ये। अच्छा। मेरा नाम, नाम से ये जगह, जो आएंगे ना लोग, वो किसी को बोल देंगे कि परवेज़ की दुकान किधर है। अच्छा। तो वो मेरी दुकान पर सीधा लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई जी। नाज़रीन, आप तो देख रहे थे परवेज़ साहब जो ओगी में जूता बनाते हैं, वो कहते हैं कि जो जूता मैं तैयार करता हूँ वैसा जूता कोई तैयार नहीं कर सकता। आपको अगर ये जूता चाहिए, वो ऑल राउंडर बंदे हैं और उनका नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं और उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू। नंबर